दोस्तों नमस्कार। विधानसभा चुनाव का आगाज होने वाला है। बहुत जल्दी हरियाणा के विधानसभा चुनाव की गतिविधियां और तेज हो जाएंगी, यानी कि जो अगले 100 दिन हैं ये चुनाव की तैयारियों में बीतेंगे, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हों और चाहे वो राजनीति करने वाले, चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाले नेता। इस दौरान चाहे दर्शक हों, चाहे आप हों, चाहे हम हों, चाहे राजनीतिक विश्लेषक हों, सबकी जिज्ञासा होगी कि विधानसभा सीटों पर, कौन से विधानसभा सीट पर क्या स्थिति बन सकती है, क्या समीकरण बनते हैं, कहाँ का क्या भूगोल है, क्या परिस्थितियां हैं, ये सब जानना चाहेंगे। और इसी कड़ी में हम भी प्रयास करेंगे कि आपसे हरियाणा की हरेक विधानसभा क्षेत्र के बारे में आपसे बात किया करें। पिछले दिनों हमने आपसे फरीदाबाद विधानसभा की बात की, हमने आपसे पलवल विधानसभा की बात की, आपसे हमने बल्लभगढ़ विधानसभा के बारे में बात की। आज मैं आपसे बात करूंगा हरियाणा की एक प्रमुख और ग्रामीण रूरल बेस्ड विधानसभा सीट, अगर उसको कुछ आप यूं मान लें कि एक ऐसी विधानसभा सीट जिस पर कि हिंदू और मुस्लिम मतदाता बराबर संख्या में आते हैं लगभग, ऐसी विधानसभा सीट जहां पर कि कई बार निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनाव जीत गए, ऐसी विधानसभा सीट जहां पर पाल, गोत्र और इन सब पर चुनाव लड़ा जाता है। मैं आपसे बात कर रहा हूं हथीन विधानसभा क्षेत्र के बारे में। हथीन विधानसभा क्षेत्र दोस्तों आप कुछ यूं मान लें कि वर्तमान में यहां से विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं प्रवीण डागर, डागरपाल के विधायक हैं और अपने पिता के बाद दूसरी बार प्रवीण डागर ही हुए जिन्होंने कि डागरपाल का झंडा बुलंद किया। यानी कि यहां पर एक बार रामजीलाल डागर आजाद एक कैंडिडेट के रूप में चुनाव जीत गए थे और दूसरी बार रामजीलाल डागर के बेटे प्रवीण डागर 2019 के चुनाव में भाजपा के कैंडिडेट के तौर पर चुनाव जीते। मैं आपसे बता रहा था कि यहां पर आजाद कैंडिडेट के रूप में काफी नेता चुनाव जीते हैं। अगर आप गिने तो इसके अंदर यहां से 2005 के चुनाव में हर्ष कुमार आजाद कैंडिडेट के तौर पर चुनाव जीते थे। 2009 में यहां पर चौधरी जलेब खां इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर चुनाव जीते थे। अगर आप उससे पीछे आप चलें तो यहां पर देवी सिंह तेवतिया जो कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस भी हुए, वो भी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव जीते थे। यहां पर हेमराज सहरावत जिनके इर्द गिर्द कभी हरियाणा की राजनीति घूमी क्योंकि वो बदलाव का दौर था, हेमराज सहरावत भी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव जीते। यहां पर अगर चुनाव जीतने की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया कि देवी सिंह तेवतिया चुनाव जीते जो बाद में जस्टिस बन गए, चीफ जस्टिस एक पश्चिम बंगाल के मुख्य न्यायाधीश, तो यहां पर भगवाधारी भी विधायक बन गए। 1977 में यहां से स्वामी आदित्य वेश चुनाव जीत गए थे, स्वामी आदित्य वेश। यहां पर ऐसे नेता भी चुनाव जीते कि जिनका अपने इस विधानसभा क्षेत्र में गांव भी नहीं था, चौधरी खिल्लन सिंह, सौरोतपाल से आते 24 के नेता थे स्वर्गीय खिल्लन सिंह, बांसा उनका गांव है लेकिन वो हथीन विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीत गए थे। आजकल खिल्लन सिंह के परिवार से पिछले दिनों अजीत बॉबी इंडियन नेशनल लोकदल के जिलाध्यक्ष रहे हैं। दोस्तों हथीन में बात तो हिंदू मुस्लिम की बहुत की जाती है और मैंने आपको बताया कि इस समय पर जो स्थिति वो है कि लगभग 46% यहाँ पर मुस्लिम मतदाता हैं और लगभग 54% हिंदू मतदाता हैं, लेकिन इस सब के बावजूद भी यहाँ पर मात्र 2 बार मुस्लिम कैंडिडेट चुनाव जीते। 1991 में यहाँ से चुनाव जीते मास्टर अजमत खान कांग्रेस के टिकट पर और एक बार यहाँ से फिर चुनाव जीते 2009 में चौधरी जलेब खान, वो भी इंडिपेंडेंट चुनाव जीते। बाद में उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार को समर्थन दिया। इस चुनाव में 2024 के चुनाव के लिए जलेब खां के बेटे जेई इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर हैं, रिटायर्ड हैं, सेवानिवृत्ति ले ली थी उन्होंने, चौधरी इजराइल, और वो कांग्रेस के सशक्त दावेदार हैं। आपसे पूरी बात करते हैं कि आखिर हथीन का सिनेरियो है क्या। दोस्तों हथीन विधानसभा क्षेत्र के अंदर अगर हम जाट समाज में जाएं तो जाट समाज में यहाँ पर प्रमुख रूप से डागरपाल, रावतपाल, सहरावतपाल इनके गांव ज़्यादा आते हैं। सबसे ज़्यादा संख्या रावतपाल के गांवों की है, उसके बाद डागरपाल के गांव हैं, उसके बाद में सहरावतपाल के गांव हैं, कुछ यहाँ पर तेवतियापाल के गांव भी हैं, कोंडल गांव है वहाँ जिसमें तेवतिया ज़्यादा होते हैं। अगर आगे चलें तो फिर हथीन विधानसभा क्षेत्र के अंदर गुजर मतदाता भी काफ़ी संख्या में आ चुके हैं, लगभग 12,000 के आसपास गुजर मतदाता हैं।
इसके बाद में ब्राह्मण मतदाता बामनी खेड़ा बड़ा गांव है, वो हथीन विधानसभा क्षेत्र का गांव होता है। तो जो 56% जो हिंदू वोट हैं उसके अंदर लगभग आधे जाट मतदाता हैं और आधे गैर जाट मतदाता हैं। गैर जाट मतदाताओं में ब्राह्मण, राजपूत, इसके साथ साथ गुजर, ओबीसी, बीसी और एससी, ये सभी मतदाता आ जाते हैं। अगर यहाँ आप मेव मुस्लिम मतदाताओं की बात करें तो फिर मेव मुस्लिम मतदाताओं के भी यहाँ पर कई पाल और गोत्र हैं और उन्हीं के हिसाब से चुनाव चलता है, उन्हीं के हिसाब से चुनाव होता है। दोस्तों मैंने आपको बताया कि डागर पाल के यहाँ पर विधायक दो बने, पिता पुत्र दोनों, रामजीलाल डागर और प्रवीण डागर। अगर रावत पाल की आपसे बात करें तो रावत पाल के यहाँ पर तीन विधायक बने। रावत पाल से भगवान साय रावत विधायक बने 1987 में और उसके बाद में 2000 में। रावत पाल से ही केहर सिंह रावत विधायक बने 2014 में। और ये तीनों जो रावत पाल के नेता विधायक बने, ये चौधरी देवीलाल के टिकट पर विधायक बने। चाहे वो पार्टी कोई थी, सिंबल कोई था, लेकिन झंडा चौधरी देवीलाल का बुलंद हुआ। चौधरी खिल्लन सिंह भी विधायक बने, वो भी लोकदल से चौधरी देवीलाल के टिकट पर विधायक बने। आदित्य वेश यहाँ से जनता पार्टी के विधायक बने थे, मैंने आपको बताया, और इंडिपेंडेंट भी यहाँ पर कई बार बाजी मारते रहे। दोस्तों अगर संभावित कैंडिडेट्स की बात करें कि संभावित प्रत्याशी कौन हो सकते हैं, तो यहाँ कांग्रेस से संभावित प्रत्याशी के तौर पर इसराइल मोहम्मद का नाम पहले नंबर पर माना जाता है। हालांकि कांग्रेस के अंदर कैंडिडेट और भी हैं, लेकिन इसराइल की दावेदारी मजबूत की जाती है। आपसे चलती बात में बता दूं कि हमारे एक साथी के साथ में हथीन के नेता हैं, बड़े नेता हैं, चौधरी हर्ष कुमार। चौधरी हर्ष कुमार कह रहे थे कि टिकट तो इसराइल की कटने की बात चलाएं भी सही, लेकिन कहीं ये ना हो कि ये चौधरी जलेब खां बन जाएं। आप इसे कुछ विस्तार से यूं समझिए कि चौधरी जलेब खां कांग्रेस की टिकट मांगते थे, उन्हें कई बार टिकट नहीं मिला, जलेब खां चुनाव लड़ते रहे और 2009 का चुनाव ऐसा आया कि जनता ने सिंपथी लहर चलाई और उस सिंपथी के अंदर, यानी कि सहानुभूति लहर के अंदर, चौधरी जलेब खां चुनाव जीत गए। अब अगर वर्तमान की बात करें तो 2014 में चौधरी जलेब खां चुनाव हार गए थे और 2019 में इसराइल मोहम्मद चुनाव हार गए थे लगभग 2500 वोट से। अगर इस चुनाव के लिए कहें तो इसराइल मोहम्मद के लिए एक बार फिर से सहानुभूति वेव है। और जो मैं आपसे कह रहा था कि जो अगर वो पूर्व मंत्री इस बात को कह रहे हैं कि ये जलेब खां बन जाएंगे, तो उसके पीछे कहने का मकसद उनका ये है कि अगर इनका कांग्रेस से टिकट कटा तो फिर इसराइल मोहम्मद चुनाव लड़ना निश्चित है, इसराइल मोहम्मद का चुनाव लड़ना तय है। और वैसे मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि इसराइल मोहम्मद का टिकट भी लगभग कांग्रेस में तय है, लेकिन अगर कहीं, क्योंकि राजनीति में इवेंट बट हमेशा रहते हैं, अगर कहीं टिकट कट गया इसराइल मोहम्मद का तो फिर वो निर्दलीय चुनाव लड़कर सहानुभूति भी बटोर लेंगे। अगर आपसे मैं बात करूं दूसरी पार्टी की, तो यहां से भारतीय जनता पार्टी से प्रवीण डागर विधायक हैं। हालांकि प्रवीण डागर के कार्यकाल को ठीक ठाक माना जा सकता है, उसके अंदर अगर कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं कह सकते तो उनकी कोई नकारात्मकता भी बहुत बड़ी नहीं आ सकती। केवल ये जरूर है कि हथीन के अंदर कृष्ण पाल गुर्जर इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में 51,000 से ज़्यादा वोटों से हार गए, ये नकारात्मकता सबसे बड़ी है। इसके अलावा अगर आपको मैं बताऊं तो प्रवीण डागर के लिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी काफ़ी लोग हैं जो उनका विरोध करते हैं। इसके साथ साथ कृष्ण पाल गुर्जर जी के नज़दीक के भी काफ़ी लोग हैं जिनको कि प्रवीण डागर फूटी आँख भी नहीं सुहाते। इस सब को देखते हुए संभवतः यहाँ पर टिकट का बदलाव भी हो सकता है, और अगर टिकट का बदलाव होता है तो फिर कौन कैंडिडेट हो सकता है। मैंने आपसे कहा कि खासकर अथीन के अंदर पाल की बात बहुत चलती है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर रावत पाल की बात आ सकती है कि रावत पाल से कोई कैंडिडेट हो सकता है। अगर रावत पाल के कैंडिडेट की बात मैं आपसे करूँ तो केहर सिंह रावत यहाँ से पूर्व विधायक हैं। 2019 के चुनाव में केहर सिंह रावत को टिकट भी नहीं मिला, और अगर आप माने तो केहर सिंह रावत इंडियन नेशनल लोकदल छोड़ कर आने वाले पहले नेता थे जिन्होंने कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर और नेताओं की एंट्री का रास्ता खोला। कुछ बातों को लेकर वो नाराज भी रहे। खैर अगर रावत पाल में और देखें तो फिर रावत पाल से एक नेता और हो सकते हैं, मनोज रावत। आजकल जिला परिषद की चेयरपर्सन है उनकी धर्मपत्नी आरती रावत। मनोज रावत दिल्ली पुलिस के अंदर कार्यरत थे, सौम्य स्वभाव के हैं, नए उभरते हुए नेता हैं, मनोज रावत का नाम भी लग सकता है। अगर आगे इसी के अंदर, इसी श्रृंखला में आप चलें तो रावत पाल के इन दो नेताओं के अलावा फिर बात सहरावत पाल की भी होगी।
क्योंकि सहरावत पाल के एक ही नेता आज तक विधायक बने हैं और दावेदारी खूब चलती हैं। तो सहरावत पाल में अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर यहाँ भी कई नेता हैं। रश्मि सहरावत हैं, भारतीय जनता पार्टी की महिला जिलाध्यक्ष रही हैं, आजकल महिला मोर्चा में प्रदेश सह कोषाध्यक्ष हैं। अगर महिला फैक्टर आता है कहीं भी और यूथ फैक्टर आता है और सहरावत को टिकट देने की बात आ जाती है तो फिर रश्मि सहरावत वहाँ खड़ी उतरती हैं। वैसे सहरावत पाल से योगेंद्र सहरावत भी हैं, हेमराज सहरावत के बेटे हैं वो, और बहुत समय से लगे हुए हैं बीजेपी के अंदर। एक रविंद्र सहरावत का नाम भी सुनने में आता है, कुछ और भी नाम हो सकते हैं। अगर इससे बात चलें तो फिर और कैंडिडेट कौन हो सकता है, लेकिन ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी से हथीन विधानसभा क्षेत्र से कोई जाट नेता ही कैंडिडेट होगा। अगर दूसरी पार्टियों की बात करें तो फिर इंडियन नेशनल लोकदल से आप ये मान करके चलें कि यहाँ तैयब हुसैन भीमसिका का नाम लगभग तय है। तैयब हुसैन भीमसिका पहले बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ते रहे हैं, उससे पहले इनेलो में हुआ करते थे। और अगर इंडियन नेशनल लोकदल का किसी दलित समाज का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी, यानी कि जो चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी है भीम आर्मी वाली, और या उसके अलावा बहुजन समाज पार्टी किसी से अगर गठबंधन हो गया तो फिर हथीन का समीकरण बड़ा मजबूत बनेगा। अगर आगे चलें तो फिर यहाँ पर जो मैंने आपसे कहा कि निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनाव जीतते रहे हैं, अगर टिकट कटने छूटने की बात आती है तो फिर निर्दलीय नेता भी तैयार रहेंगे। चौधरी हर्ष कुमार का चुनाव लड़ना लगभग तय है, ये नहीं पता कौन सी पार्टी से लड़ेंगे, लेकिन चुनाव लड़ना उनका भी तय है कि वो चुनाव लड़ेंगे। अगर आप देखें तो निर्दलीय भी, जाट भी, और दो बार मेव मुस्लिम समाज भी। हथीन का मिला जुला इतिहास है, मिली जुली यहाँ की संस्कृति है, और हथीन का जो प्रोफाइल निकल कर के आता है वो ऐसा है कि यहाँ के लोग न राजनीतिक दल देखते हैं, न पाल देखते हैं, न गोत्र देखते हैं, जिसके साथ चल पड़ते हैं उसको फिर चुनाव जिता देते हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि अब की बार हथीन के अंदर पाल और गोत्र पर कितना चुनाव जाएगा? आपको क्या लगता है कि हथीन से, जो हमने आपको नाम बताया कि कांग्रेस से लगभग ये तय हो सकते हैं, आपको क्या लगता है कि कौन सा कैंडिडेट आ सकता है? और कहीं क्या हथीन एक बार कहीं किसी तरह से आजाद वाली पुनरावर्ती तो नहीं दोहराएगा? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।